पिछला क्लास में क्या बताया गया था? दिस दैट दिस दोज. तो दिस का मतलब क्या बताया गया था? सिंगुलर के लिए. क्या बताया गया था? सिंगुलर मतलब एक चीज रहे और नजदीक रहे, वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? दिस लगाएंगे. और जब एक चीज रहे लेकिन दूर रहे तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? दैट लगाया जाएगा. दिस कहां लगाया जाता है? जब ग्रुप में रहे, जब ग्रुप में रहे और नजदीक रहे तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? दिस लगाया जाएगा. और जब ग्रुप में रहे लेकिन बहुत दूर रहे तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? दोज लगाया जाएगा. नाउ स्टार्ट. अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप. क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन. क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन. अब वो पढ़ना नहीं है, जब प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ हम लोगों को वर्ड सीखना है. क्या सीखना है? वर्ड. जैसे आई, वी, आवर, ही, सी, इट, यू, योर्स, ये सब के बारे में सीखना है. तो इस कारण से पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन का कितना टाइप्स होता है? तीन टाइप्स होता है. कितना टाइप्स होता है? तीन टाइप्स. फर्स्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन. क्या होगा? फर्स्ट पर्सन. सेकेंड क्या होगा? सेकेंड पर्सन. और यहां पर क्या होगा? थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन. ओके. अब देखें फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है. तो देखें फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है. देखिए सबसे पहले एकदम जानने का तरीका और आसान तरीका है, जब खुद के बारे में कुछ भी बात बोला जाएगा, मतलब खुद के लिए जो वर्ड आएगा तो खुद के लिए हम क्या बोल सकते हैं? आई. खुद के लिए और क्या बोला? जब ग्रुप में रहेंगे तो वी, आवर. ये क्या होगा? खुद के लिए वर्ड हो रहा है. तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी, आवर. ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया. इसका क्या यूज होता है इसके बारे में बताया जाएगा. तो जब खुद के बारे में बोलेंगे तो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन. क्या होगा? फर्स्ट पर्सन. जब खुद के बारे में बोलेंगे क्या होगा? फर्स्ट पर्सन. तो खुद के लिए कौन कौन सा वर्ड हो सकता है? आई, वी, आवर. क्या होगा? आई, वी, आवर. अब सेकेंड पर्सन, जब सामने वाले के लिए बोलेंगे, मतलब तुम ऐसे हो, तुम्हारे पास क्या है, तो जब भी ऐसा बोला जाएगा यानी कि सामने वाले से बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन. तो सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? यू, योर. क्या होगा? यू और सेकेंड क्या होगा? योर. मतलब सामने वाले के लिए और क्या बोला जा सकता है? या तो यू बोलेंगे या तो योर बोला जाएगा. और कुछ इसके अलावा हो सकता है क्या? नहीं. तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, वी, आवर. क्या होगा? आई, वी, आवर. सेकेंड पर्सन है कि सामने वाले के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? यू, योर. यू, योर. क्या होगा? यू, योर. और थर्ड पर्सन में क्या आता है? जब हम लोग आपस में बात करेंगे लेकिन किसी और के बारे में बात करेंगे, जैसे चुगली किया जाता है ना, कि नहीं वो तो ऐसे है, ये है, वो है, उसके घर में ये है, वो है, बहुत कुछ बोला जाता है. तो क्या होता है यानी कि जब तीसरे के बारे में जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन. जब किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? थर्ड पर्सन. तो इसमें क्या आएगा? ही, सी, इट और दे. ये क्या होता है? ही, सी, इट, दे. एक बार फिर से, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी, आवर. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी, आवर. सेकेंड पर्सन, जब सामने वाले के बारे में बोला जाएगा, यू, योर. यू, योर. थर्ड पर्सन यानी कि किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब कोई लड़का रहेगा ही, कोई लड़की रहेगी सी, इट मतलब यह, और दे मतलब वे सब. तो ये क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है. और हम लोगों को इसी के बारे में थोड़ा जानकारी लेना है कि आई क्या होगा, वी कहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, आवर का यूज कहाँ पर करेंगे. इसके बाद हम लोग सीखेंगे यू और योर का यूज कहाँ करेंगे, ही, सी, इट और दे का यूज कहाँ करेंगे. ओके. तो आज पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में. और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा वर्ड होता है? आई, वी, आवर.
क्या होता है आई वी आवर, आई वी आवर। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम लोग, हम लोग। और आवर का मतलब होता है हमारा, क्या होगा हमारा। आई मतलब मैं। अब यहाँ पर जानने का एक बात है, तीनों का तीनों वर्ड क्या होता है प्लूरल में काउंट किया जाता है, किस में आता है प्लूरल। अब आप लोग बोलेगा सर प्लूरल क्या होता है, तो प्लूरल का मतलब क्या होता है जब एक से ज़्यादा हो, कोई भी थिंग्स एक से जब ज़्यादा हो उसको क्या कहा जाता है प्लूरल कहा जाता है, और जब सिर्फ एक रहे उसको क्या कहा जाएगा सिंगुलर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा सिंगुलर। जब एक से ज़्यादा रहे तो प्लूरल, जब एक चीज़ रहे तो सिंगुलर। तो हम लोग आई कहाँ यूज करेंगे सिंगुलर में नहीं यूज करेंगे, गलत। कहाँ पर प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है, किसके रूप में यूज किया जाता है प्लूरल। अब आप लोग बोलिएगा कि जब आप खुद अकेले, हम तो अकेले ही दिख रहे हैं और तो दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी आई का उपयोग प्लूरल में कैसे किया जा सकता है, होगा ना। तो क्या होता है ये आई प्लूरल में काउंट किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके इतना, अब यहाँ पर क्या होता है इसका यूजेज सीखते हैं। आई वी आवर, आई के साथ हम लोग हमेशा किस चीज का यूज करते हैं एम का यूज करेंगे। कब एम का यूज किया जाता है, जब उसमें कोई भी वर्ब ना रहे चाहे उसे कुछ भी नहीं रहे, तो जैसे मैं लड़का हूँ आई एम अ बॉय, तो यहाँ पर क्या होगा एम, आई के साथ हमेशा एम, एक वर्ड आता है एम। एम जो है आई के अलावा किसी और के साथ कभी भी यूज नहीं होता है, एम जो है आई के अलावा किसी और भी वर्ड, किसी भी वर्ड के साथ कभी भी यूज नहीं होता है, सिर्फ किसके साथ यूज होगा आई के साथ। आई के साथ क्या यूज होता है एम, कोई जरूरी नहीं कि आई के साथ सिर्फ एम यूज हो, आई के साथ हम लोग हैव का यूज कर सकते हैं, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आई के साथ हम लोग डू का यूज कर सकते हैं, किया जा सकता है। आई के साथ हम लोग विल का यूज, सॉरी शैल का यूज कर सकते हैं, लेकिन एम के साथ हम लोग सिर्फ क्या चीज का यूज करेंगे आई का यूज करेंगे। एम के साथ हम लोग हमेशा सिर्फ क्या चीज का यूज करेंगे आई। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ क्या सिर्फ एम का यूज किया जाता है क्या, नहीं। आई के साथ हम लोग ये सब भी यूज कर सकते हैं, आई के साथ ये सब भी यूज होगा, लेकिन एम के साथ सिर्फ क्या यूज होगा आई यूज होगा, क्या यूज होगा आई। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया जा रहा है, आप लोगों को बनाना है ना, स्टॉप। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मैं एक लड़का हूँ, तो क्या बताया गया था आई यहाँ पर तो यूज होगा, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है एम, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। अब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस देखा जाए तो इसमें क्या यूज किया गया है, हम लोग बच्चे हैं, तो क्या चीज के बारे में बात किया जा रहा है, हम लोग, खुद एक के बारे में नहीं हम लोग के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा वी, वी के साथ आर, क्या होगा वी आर। बच्चे का क्या होगा चिल्ड्रेन, चाइल्ड का मतलब होता है एक, और एक से जब ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर क्या होगा वी आर चिल्ड्रेन। और यहाँ पर एक बात जरूर याद रखिएगा सभी कोई, चिल्ड्रेन में कभी भी एस नहीं लगाया जाता है, कभी भी एस नहीं लगाया जाता है, पता है क्यों, क्योंकि ये खुद एक प्लूरल है, इसमें और क्या प्लूरल करना है, चाइल्ड का ही ना प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, तो उसमें क्या एस लगाने के बाद क्या सही होगा क्या, नहीं, चिल्ड्रेन में कभी भी एस नहीं लगाया जाता। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, हमारा घर सुंदर है, तो हमारा क्या बताया गया आवर का मतलब हमारा, और इस किसके बारे में बात किया जा रहा है हमारा घर के बारे में बात किया जा रहा है, देन यहाँ पर क्या यूज होगा आवर हाउस, आवर हाउस। अब यहाँ पर क्या होता है घर तो एक है, हमारा घर तो एक ही चीज के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए इज, आवर हाउस इज ब्यूटीफुल, क्या होगा ब्यूटीफुल। ओके अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको कैसे बनाया जाएगा, तो आप लोग को एक ट्रिक दिया जा रहा है, उसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कैसे बनाया जा सकता है। और ये जो ट्रिक जो दिया जा रहा है सभी सेंटेंस पर लागू होगा, हर सेंटेंस पर लागू होगा। कैसे, सबसे पहले आपको क्या चूज करना है सब्जेक्ट चूज करना, क्या चूज करना है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब, क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में क्या रहेगा, वर्ब रहेगा तो वर्ब लिखेंगे और ये सब कहाँ मिलेगा सब कुछ बताया जाएगा, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में, मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, आई, क्या होगा, आई। अब आई के बाद सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट यहाँ पर जाएंगे, बड़ा हूँ, तो यहाँ पर क्या देखना है, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम यूज होता है, तो आई एम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसको लिख लिया गया, इसके बाद यहाँ से वापस आ जाना है, क्या करना है, वापस आ जाना है, कुछ भी नया नहीं सोचना है, यहाँ से वापस आना है। तो क्या, कैसे वापस आएंगे, तो सबसे पहले देखना है कि कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे का, की, के, में, पर, तो ये सब जो रहेगा, तो ये सब क्या होता है, प्रीपोजिशन, क्या रहेगा, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ वैसा वर्ड, में, तो यहाँ तक फर्स्ट टाइम में, मतलब एक बार में हम लोग को यहाँ तक आना होगा, उसके बाद, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखते हैं, आई एम सबसे बड़ा, यहाँ बताया गया था ना, तो इसको लिखा जाएगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा को क्या बोला जाएगा, गलत, एल्डेस्ट, क्या होगा, एल्डेस्ट, आई एम एल्डेस्ट। अब कहाँ पर इन मतलब क्या होता है, में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन अपने घर में, तो इन माई हाउस, इन इन माई हाउस, एक बार फिर से आई, आई के साथ सबसे लास्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हूँ लिखा हुआ था, आई के साथ हमेशा क्या लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा, और सबसे बड़ा यहाँ पर देख लीजिए प्रीपोजिशन, तो इसके बाद क्या लिखा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा का इंग्लिश क्या होता है, एल्डेस्ट होता है, इन मतलब में, अपने घर, माई हाउस, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेम उसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस को भी बनाएंगे, तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, हम लोग के बारे में, तो हम लोग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वी, तो वी के बाद डायरेक्ट हम लोग को कहाँ जाना है, लास्ट में जाना है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हैं, तो क्या होता है, वी क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है, प्लुरल के साथ हमेशा आर का यूज, तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, आर, वी आर, इसके बाद क्या बोला गया था, हम लोग को वापस आ जाना है, क्या करना है, वापस, लेकिन फिर से यहाँ पर दिख गया प्रीपोजिशन, का, की, के, यहाँ दिख गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, छात्र, तो इसका क्या होता है, स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ऑफ क्लास 10th, किसी को कोई समस्या, एक बार फिर से, हम लोग का क्या होगा, वी, इसके बाद डायरेक्ट कहाँ हम लोग को चले जाना है, लास्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, हैं, मतलब क्या होगा, प्लूरल में होगा, तो यहाँ पर वी के साथ क्या यूज होगा, आर, छात्र, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, किसी को दिक्कत। अब इसी प्रकार से अगला सेंटेंस में भी करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर देखते हैं हमारा, तो क्या बताया गया था, क्या हमारा कभी भी सिर्फ क्या ये वर्ड कभी सब्जेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसके साथ कुछ ना कुछ जो भी वर्ड रहेगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, हमारा घर, क्या होगा, हमारा घर, तो क्या होगा यहाँ पर, आवर, आवर हाउस, हमारा घर, आवर हाउस। अब क्या है, घर क्या है, एक है, तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, इज एम आर में से क्या यूज होना चाहिए, इज, तो आवर हाउस इज, यहाँ तक किसी को दिक्कत, उस पहाड़ पर है, तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, पर तो यहाँ पर दिख रहा था प्रीपोजिशन, लेकिन इसके बाद कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको पहले लिख देते हैं, इज ऑन, उस पहाड़ पर, ऑन दैट पहाड़, पहाड़ को क्या बुला देता है, On that mountain, सबको समझ में आ गया, ना स्टॉप, फिर से बंद करो। ये दो सेंटेंस आप लोगों का होमवर्क के लिए दिया गया है, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में
इसका आंसर लिख करके भेजिएगा।